नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में पुलिस फोर्स की ओर से नशीले पदार्थ ले जाकर गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा भंग करने को लेकर रोष व्यक्त करने के लिए सिख संगत की मीटिंग ओंकार सिंह के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें सभी ने इस दुखदायी घटना पर रोष प्रकट किया। इस अवसर पर ओंकार सिंह ने कहा कि हरियाणा में ऐतिहासिक गुरुद्वारों की सेवा संभाल का कार्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का है, जिसके सदस्य हरियाणा सरकार की ओर से नामित किए गए हैं। गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब की सेवा संभाल का कार्य भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नामित सदस्यों का है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह उठता है कि पुलिस फोर्स को गुरुद्वारा साहिब में रुकने की इजाजत किस सदस्य ने दी। पुलिस फोर्स को किसी सरकारी स्कूल या अन्य स्कूलों में रुकना चाहिए, क्योंकि पुलिस में कुछ जवान नशे का और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, यह सर्वविदित है। ऐसे में गुरुद्वारा साहिब के परिसर में पुलिस मुलाजिमों से नशीले पदार्थ मिलने से सिख संगत में भारी रोष है, जबकि यह सबको मालूम है कि गुरुद्वारा साहिब के परिसर में कोई भी नशीला पदार्थ शराब तंबाकू गुटखा इत्यादि नहीं ले जाया जा सकता। गुरुद्वारा साहिब में मर्यादा भंग के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के उन सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए जिन पर इन गुरुद्वारा साहिब की सेवा संभाल की जिम्मेवारी है। उन्होंने सिख संगत से अपील की है कि ऐसे सरकारी सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए जिन्होंने गुरुद्वारों की सेवा संभाल की जिम्मेदारी होते हुए अपनी जिम्मेदारी उचित तरीके से नहीं निभाई। इस अवसर पर सरदार हरदेव सिंह, सुखप्रीत सिंह सेठी, तरनप्रीत सिंह, तेजिंदर सिंह, दमनप्रीत सिंह, जगजीत सिंह, कुलबीर सिंह, केवल सिंह, जसबीर सिंह, जोगिंदर सिंह, मनदीप सिंह, डिंगरा जी अन्य उपस्थित रहे। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब और गुरुद्वारा मंजी साहब दोनों ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इन्होंने गुरुद्वारे रैपिड एक्शन फोर्स और फोर्स के कुछ मुलाजम रुके से, उन्होंने को आपत्तिजनक नशीले पदार्थ मिले हैं, तंबाकू जर्दा मिले है। बहुत अफसोस की गल है, इसकी जाँच होनी जरूरी है। पहली गल तो है कि अगर रैपिड एक्शन फोर्स और फोर्स का कोई भी कर्मचारी रुकना चाहता है तो उन्होंने स्कूल या किधर होर रुकवाना चाहिए, गुरुद्वारा साहब के लिए उन्होंने नहीं रुकवाना चाहिए, क्योंकि देखा जाता अधिकतर जो फोर्स के या रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस के कर्मचारी होंगे हैं, उन्होंने कई को चीज़ा होंगे। जिस भी गुरुद्वारे के मैंबर ने इन्हों ठहरा की अनुमति दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आज श्री अकाल तख्त साहब उत्ते एक बेनती कराँगा कि इस पिछे जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी ये मंग है कि जेडे अंबाला छावनी के दो मैंबर ने, अंबाला सिटी का एक मैंबर है, सरकारी मैंबर कहवाएंगे असं उन्होंने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा की देखभाल का जिम्मा उन्होंने को है। अगर वह गुरुद्वारा की देखभाल गुरुद्वारा की मर्यादा कायम नहीं रख सकते तो उन्होंने पद ते रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।